नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी के किसी सांसद या मंत्री के बेटे या बेटी को टिकट नहीं दिया गया तो इसके पीछे वो खुद जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी ने परिवारवादी राजनीति को अनुमति नहीं दी है और न ही दी जाएगी। हालांकि देखा जाए तो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग ज्यादातर राजनीतिक दलों और राज्यों में परिवारवाद गहरी जड़ें जमा चुका है। देश के सभी सियासी पार्टियां परिवार के रोग से ग्रस्त है। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कांग्रेस की तरह परिवारवाद नहीं है, लेकिन पार्टी में बड़ी संख्या में नेता पुत्र अब महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो चुके हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में मिली जीत के बाद बुलाई गई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल का माला पहनाकर भी स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी बीजेपी सांसद या मंत्री के बेटे या बेटी की उम्मीदवारी खारिज हुई तो इसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगला चुनाव दूसरी पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। वहीं परिवारवाद और वंशवाद को लेकर दूसरी पार्टियों के खिलाफ लड़ाई छिड़ने की बात भी कांग्रेस मुक्त अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता अब गांधी परिवार से सीधे इस्तीफे की मांग करने में जुट गए हैं। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस के इन अंतर विरोधों का फायदा उठाने की फिराक में है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला करती है। देखा जाए तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग ज्यादातर राजनीतिक दलों और राज्यों में परिवारवाद गहरी जड़ें जमा चुका है। देश की सभी सियासी पार्टियां परिवार के रोग से ग्रस्त है। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कांग्रेस की तरह परिवारवाद नहीं है, लेकिन पार्टी में बड़ी संख्या में नेता पुत्र अब महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो चुके हैं। वाम दल भी इससे अछूता नहीं है। बीजेपी की सियासत में लंबी चौड़ी फौज परिवारवाद से आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार विधायक बने हैं। विजया राजे सिंधिया की एक बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, तो दूसरी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजबीर सिंह सांसद हैं और पोता संदीप सिंह विधायक और अभी तक यूपी सरकार में मंत्री थे। इसी तरह वर्तमान ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी नेता लालजी टंडन के पुत्र अभिषेक टंडन अभी तक यूपी सरकार में मंत्री थे। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितेंद्र प्रसाद माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी बीजेपी की ओर से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। ये कुछ नाम उदाहरण भर हैं। लिस्ट अभी और लंबी है। परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी खुद इससे कितना दूर है, ये इन नामों को देखकर पता चल जाता है। वैसे देश की राजनीति में परिवारवाद की शुरुआत करने का आरोप नेहरू परिवार पर लगता है। आज मोतीलाल नेहरू की पांचवी पीढ़ी कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रही है। यही वजह है कि आरोप लगता है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन गई है। मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू, उनके बेटे इंदिरा गांधी, फिर संजय और राजीव गांधी, राजीव की पत्नी सोनिया गांधी और अब उनके पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी के हाथों में पार्टी की बागडोर है। बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह, मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा, राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट, शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी राजनीति का हिस्सा है। परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस की लिस्ट भी बीजेपी से छोटी नहीं है। वहीं कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार
मुफ्ती परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का कुनबा, बीएसपी मुखिया मायावती का परिवार, चौधरी अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी, बिहार में लालू परिवार, पासवान परिवार, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को ही सौंपी और वो फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। महाराष्ट्र में ही शरद पवार का परिवार भी राजनीति से जुड़ा है। हरियाणा के तीनों लालों देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के अलावा तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का परिवार और कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार इसी वंशवाद की राजनीति की उपज है। साल 2009 में 29% सांसदों की पृष्ठभूमि वंशवाद से जुड़ती थी, जो 2014 की संसद में गिरकर 21% रह गई। संसद में मौजूदा समय में परिवार आधारित राजनीतिक दलों की तादाद 23 है। वैसे वंशवाद की पकड़ सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, वो राज्यों की विधानसभा में भी उतने ही ताकतवर हैं। अच्छी योग्यता रखने वाले कुछ लोगों को छोड़ दें तो राजनीतिक परिवारों से आने वाले 20 या 30 साल की उम्र के लोगों को राजनीति में प्रवेश के बाद बेहतर ओहदा, ताकत और कमाई होने की ज्यादा क्षमता दिखती है। हालांकि मौजूदा दौर की राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को नई दशा और दिशा दे सके। इस मापदंड पर परिवारवाद से जुड़े ये राजनेता कितना खरे उतरते हैं, ये बहस का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हां, तो इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है और ये कहा है कि परिवारवाद और वंशवाद को आगे नहीं पढ़ाना। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई नेता जिसको अगर टिकट नहीं मिली उसके बेटे को टिकट या उसकी बेटी को टिकट नहीं मिली तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। ये कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बता दिया कि अगला चुनाव जो होगा वो वंशवाद और परिवारवाद के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। सत्येंद्र यादव जी हैं, लीडर हैं SP के। और लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लक्ष्मण जी, अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। सवाल ये कि क्या एक बहुत अहम और बहुत बड़ा विषय रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद, जिसका जिक्र न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं की तरफ से ये जिक्र किया जाता रहा कि समाजवादी पार्टी वंशवाद से ग्रसित है, ये रोग से ग्रसित है, कांग्रेस पार्टी वंशवाद से ग्रसित है, इनको सत्ता पर बिठा के कोई फायदा नहीं, ये बार बार जनता को बताया गया और अगला चुनाव इसी पर लड़ा जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री क्लियर कर चुके हैं। तो यानी कि एक बड़ा इशू रहा ये उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उस पर। मुझे नया जी, परिवारवाद के लिए इस समय बीजेपी जिस तरह से उसे पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ये निश्चित रूप से उनके पक्ष में जा रहा है क्योंकि उनके पास किसी भी बात को कहने और बहुत बड़ी आबादी तक उसे पहुंचा देने में कामयाबी हासिल हो रही है। अभी देखिए ना, एक फिल्म को लेकर कि किस तरह से क्या क्या पहुंचाया जा रहा है, इस पर कभी बातचीत होगी, लेकिन परिवारवाद कोई ऐसी बात नहीं है जो नई है। लगातार पिछले ही 3-4 दशकों की ही बात करें तो लगातार ये विमर्श उठता रहा है कि परिवारवाद बुरा है। मैं 2-3 चीजें बहुत त्वरित तौर पर जोड़ देता हूँ क्योंकि अभी आपको ब्रेक भी लेना है। पहली बात, परिवारवाद आपके इंट्रो में एक पक्ष उसका आ गया है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो इसके अर्थ को कितना सीमित कर देते हैं। वो क्या अर्थ है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पर नहीं जा सकते परिवारवादी होने के नाते। इसी पर वो सपा, बसपा, RJD और इसके बाद कांग्रेस पार्टी सबको घेरते हैं। तो क्या आपका परिभाषा इतनी नैरो है? आप मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं परिवारवादी होकर के, लेकिन टॉप पर नहीं जा सकते। दूसरा सवाल कि परिवारवाद कोई एक ऐसी शय है जिसको केवल राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, जय शाह ने देश का कौन सा भला किया कि उनकी कंपनी इतनी जल्दी आगे बढ़ गई और बाकी लोगों के नौकरी जा रही है, उनका बिजनेस ठप हो रहा है। मैं विश्वविद्यालयों से जुड़ा हूं, नेहा जी, एक तर्क वहां से देता हूं। विश्वविद्यालय अभी मीडिया पर नहीं जा रहा कि मीडिया में नेपोटिज्म पर पिछले साल ही क्या क्या बहस हुई थी। विश्वविद्यालयों में लगभग आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है जो परिवार के कॉन्टेक्ट पर आती है, इस पर तो कभी बात ही नहीं होती। अब आप ये कहें कि कुलपति आप नहीं बन सकते किसी कुलपति के बेटे या बेटी होकर के, तो परिवारवाद आपका जायज है?
अगर आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो नाजायज है। ये मुझे लगता है कि पूरे विमर्श को उथला कर देना है, हास्यास्पद बना देना है, और यह बिल्कुल भी उनको राजनीतिक माइलेज भले ही मिल जाए कि आपके पास तंत्र है, आप बड़ी आसानी से किसी को बदनाम कर सकते हैं कि देखो भाई एक कांग्रेस परिवार है, एक सपा परिवार है, एक राजद परिवार है, लेकिन वह परिवार उसी वक्त में काम आ रहा है जिस वक्त में राजनाथ सिंह के बेटे को मंत्री बनाया जाएगा, इसकी बहस चल रही और बाकी फेरिस्ट आपने रख दी। एक और परिवार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार, वहां दीक्षित हो जाइए तो आपको बहुत सारे ओहदे मिलेंगे और फिर ये कहा जाएगा कि आप तो मतलब मेहनत के दल पर आए थे। आखिरी टिप्पणी नया जी, मेरिट की बात करने वाले लोगों ने विश्वविद्यालयों के भीतर रिजर्वेशन का विरोध किया क्योंकि लोग जाति के नाम पर आरक्षण पाएंगे तो उसमें मेरिट खराब हो जाएगी। ये परिवारवाद कौन सा परिवारवाद है जिसमें आपको कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल ऑलरेडी मिल रही है। आज आप राजनाथ सिंह के बेटे को मंत्री बनाएंगे, अगली बार हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, आप कैसे रोकेंगे? तो ये उसके विमर्श को उथला करना है। मेरा मानना है कि इसके विमर्श को इतना नैरो नहीं करना चाहिए कि आप परिवारवाद को केवल टॉप ऑफ द पार्टी की बात को सीमित कर दें, ऐसा नहीं है। इस विमर्श में एक खुली बहस होनी। लक्ष्मण जी, अब सवाल ये भी है कि सर ये परिवारवाद के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उभरते हुए नेता, जिनको मौका नहीं मिल पाता, जो आगे नहीं आ पाते, जो आगे बढ़ नहीं पाते, क्या आपको भी लगता है कि ऐसा है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे यहाँ पे तो जी एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन किसी और पार्टी में ऐसा है क्या? देखिए अभी नया जी, हम लोग परिवारवाद चूंकि बहुत बड़ी अवधारणा है, पिछली टिप्पणी में मैंने ये बात कही कि कोई भी क्षेत्र सामूहिक और सार्वजनिक जीवन का नहीं है जिसमें परिवारवाद हावी नहीं है, लेकिन उस पर हम खुली बहस नहीं कर पाते, हमारा समाज अभी तैयार नहीं। क्योंकि अभी का विषय राजनीति का है इसलिए इसी पर केंद्रित रह करके मैं बात कहता हूँ कि यह बात बिल्कुल ठीक है, जैसे कि हमारे समाज में इस समय राजनीति क्या केवल आप बड़े परिवार के हैं इस नाते आपको मौका मिल जाता है, ये एक पक्ष है इसका, इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वह मौका नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन आप उसे साबित करते हैं, ये तर्क उन लोगों का है जो परिवारवाद को डिफेंड करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि राजनीति में जो पतन हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, वो केवल आप किसी बड़े परिवार के इतने मात्र से ही नहीं मिल जाएगा आपको, उसके साथ और भी। जैसे अब एक बात सोचिए, क्या इस समय जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए ना हो, जिस पार्टी के पास फंड ना हो, क्या वो बीजेपी या इस बड़े बड़े दल जो हैं उनके सामने चुनाव लड़ पाएंगे? कई प्रत्याशी तो इतने अच्छे होते हैं, इतने इतने जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं हमारे इसी देश में, नॉर्थ ईस्ट में अफसपा के खिलाफ लड़ने वाली जो महिला थी उनको केवल 98 वोट मिले। जो लोग काम करते, सोनी सूरी, इन लोगों ने चुनाव लड़ा, इन्हें कोई वोट नहीं दिया। तो राजनीति की बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसमें एक बात है परिवारवाद, इस पर खुल करके बहस, न तो सत्ता पक्ष आता है न विपक्ष आता है, इसका किसको एडवांटेज मिल रहा है, इसके कितने कितने आयाम हैं, इसके कितने पक्ष हैं, इसे बहस नहीं की जा रही है। ये एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि भाई देखो परिवारवादी कौन है। अच्छा, अब इससे क्या होती है इमेज, विपक्ष के साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि देखिए एक जगह आपको काम करना पड़ेगा, वो आपकी छवियों को कैद कर रहे हैं और उनके पास तमाम तंत्र है जिससे उनकी बात लोगों तक पहुंच जा रही है। अब आपके पास ये मौका है कि आप उस तंत्र को कैसे डीकोड करते हैं, आप उनके ऊपर कैसे ये बात कहते हैं, और प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं ना तो उसका असर तो वैसे भी बहुत बहुत दूर तक चला जाता है। लक्ष्मण जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों की पसंद भी बन जाए? ऐसे बहुत से हीरो हीरोइन हैं जिनके माता पिता तो बहुत चले, जनता उन्हें बहुत पसंद करती रही, लेकिन वो पर्दे पर नहीं छा सके। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके माता पिता तो बहुत अच्छा करते रहे राजनीति में, या पिताजी बहुत अच्छा करते रहे राजनीति में, लेकिन वो खुद नहीं चले। उनमें से ही एक राहुल गांधी भी है, जिस बात का जिक्र अभी हम लगातार कर रहे थे। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भले ही सोनिया गांधी को या फिर उनके उनके पिताजी को, सोनिया गांधी के या राहुल गांधी के पिताजी को या इंदिरा गांधी को या फिर आगे अगर नेहरू जी की भी हम बात करें, तो
क्या उनको तो लोग पसंद करते रहे, लेकिन क्या राहुल गांधी लोगों की पसंद है क्या? अगर हाँ तो फिर ये कैसे पसंद है? अमेठी से चुनाव हार गए। देखिए एक बात तो ये है कि अभी जैसे जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होते हैं वो अक्सर उनकी भाषा में यह एक अंडरटोन होता है और सत्ता का ये अंडरटोन होता है कि देखिए चुनाव हम जीत रहे हैं, इसमें हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारा सारा विमर्श बिल्कुल जायज है देश के हित में, ये सत्ता की भाषा होती है। जो हारता है उसकी कई वजहें होती हैं, उनमें से एक वजह आप ये कह सकते हैं स्वाभाविक नेतृत्व तो कई बार संघर्ष करके, जमीन से संघर्ष करके मिलता है। मुझे एक कथन याद आ रहा है, पिछली बार जब ये बहस कई बार बीजेपी कई बार ऐसे प्लांट भी करती है क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक बात में महारत हासिल करती है कि वो स्पीच तैयार करती है और लोग उस पर खेलने आते हैं, तो अब चूंकि सत्ता भी उनके पास है तो वो आसान काम हो गया है। जब पिछले परिवारवाद की आई और राजनाथ सिंह से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अभी कैडर ट्रेनिंग कर रहा है, वो नीचे कार्यकर्ता की तरफ संघर्ष कर रहा है और फिर उसे आगे मौका मिलेगा। तो देखिए परिवार से होने से ये फायदा जरूर आपको मिलता है कि अगर आपको बैकग्राउंड में वह ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल गया, यानी एक एक पड़ताल की जाए कि राजनाथ सिंह के बेटे ने के साथ जितने बेटे थे अलग अलग जो किसी बड़े परिवार के बेटे नहीं थे बेटियां उनको उतना मौका मिल पाया क्या? बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।